ये तो बहुत ऊंचा है। गाइस अभी वक्त हो चला है 1:45, 1:45 हो गए और इस वक्त मैं जिस जगह पर पहुंच चुका हूं ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आई एम ऑलवेज यू नो फॉन्ड ऑफ माउंटेन्स सीइंग राइट नाउ, बट दिस इज जस्ट सिंपली अमेजिंग। फोन में नहीं पता चलने वाला, ये सिंपली अमेजिंग है। मसूरी में ये एक जगह है जिसका नाम है व्यू पॉइंट, और यहाँ से जो पूरे सिटी का जो व्यू आ रहा है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मैं त्रिउंड गया था, त्रिउंड से जब मैं वो सनसेट देख रहा था और बिल्कुल वैसा ही व्यू इस वक्त ये मसूरी में आ रहा है, और मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि त्रिउंड जैसा व्यू। त्रिउंड थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर था और वहाँ से शहर बहुत छोटा दिख रहा था, यहाँ से थोड़ा नीचे दिख रहा, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार ये जगह भी। मैं क्षितिज देख सकता हूँ एकदम पूरा आसमान का। वाकई में शब्दों में बयां करना मुश्किल है इस खूबसूरती को, बट अगर आप लोग आ रहे हैं तो मसूरी तो ज़रूर आएँ। अभी धनौल्टी चंबा भी सोच रहे हम निकल जाएं, बट अभी सिर्फ हम हरिद्वार के लिए निकले थे, वापस हम यहाँ आ गए। तो सो अभी वक्त तो चला है 3 एग्जैक्ट और हमने कम से कम 1-1.5 घंटा बिताया यहाँ पर, और वाकई में मज़ा आ गया। एक तो जहाँ पर बैठे थे वो जगह इतनी खूबसूरत है कि वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, तो हम लोग अंडा, चाय, मैगी, मोमोज सब मंगाते रहे और खाते रहे, तो मज़ा सा ही आ गया बिल्कुल। अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो हमको 80 रुपये के मोमोज पड़े, 80 का अंडा ब्रेड पड़ा, चाय 20 रुपये की पड़ी। और अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पर आकर ये सब खा रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं होता ऑब्वियसली। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इतनी ऊँचाई पर आके सारे लेबर कॉस्ट हटा के अगर आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, साथ में इतना प्यारा व्यू। वाकई में मसूरी आकर पता चला कि वाई इट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ हिल्स, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, द व्यूज़ आर मेस्मराइजिंग। और अगर आप लोग आ रहे हैं मसूरी तो प्लीज़ आइए, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और अभी हम मसूरी से वापस नहीं जा रहे, हम लोग मसूरी से और ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर का आसमान है ना वो एकदम माउंटेन्स को टच कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और ऊपर चला जाए। बारिश का मौसम हल्का सा हो रहा है, ड्रिजलिंग चालू है, सुबह से चालू है, हम लोग रुक रुक कर आ रहे हैं। तो अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वापस नहीं एक्चुअली हम उस तरफ ही जा रहे हैं ऊपर, हम लोग वापस घर की तरफ नहीं जाएंगे अभी। तो अब निकलते हैं यहाँ से। वाकई में यार वहाँ पर 1-1.5 घंटा बिताकर इतना अच्छा लगा ना, पूरे शहर का इतना प्यारा व्यू आ रहा ना, क्या बताऊँ आपको, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ आप एक बार ज़रूर मसूरी है, जैसे कि मैं हर जगह आ जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि दोबारा आइए, ज़रूर आइए। त्रिउंड चाहिए, खीर गंगा चाहिए, कसौल चाहिए, मसूरी आइए, बहुत ही प्यारी जगह है ये। ओके सो अभी क्या सीन है कि अभी हम मसूरी में एंटर कर रहे हैं, अभी इसको दे दो ना फर्स्ट। तो यहाँ पे हम मसूरी एंटर कर रहे हैं, जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये यहाँ से मसूरी एंटर हो रहा है। और यहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो 12 रुपये का टोल कटता है बाइक का, और कार का कितना है? कार का 60 रुपये, बाइक का 12 रुपये। तो हमने 12 रुपये का अपना टोल दे दिया है और हम वापस मसूरी ऊपर मसूरी की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 15 किलोमीटर अभी भी ऊपर है। तो हमने जो एंटर करा वो भी मसूरी है, बट यहाँ से प्रॉपर मसूरी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो ना, मेरे यहाँ से प्रॉपर मसूरी हो रहा है। इतना प्यारा खूबसूरत मौसम हो रखा है ना, तो फटाक से ऊपर चलते हैं और मैं आपको और अच्छे खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हूँ क्योंकि बादल एकदम माउंटेन्स में टच हो चुका है भाई लोग। चलो चलते हैं। Guys, मसूरी, I never knew कि मसूरी इतना खूबसूरत है यार। देख रहे हो, हम ना बादलों के बीच में जब हम जहाँ पे आपने पहले देखा था ना कि हम चाय और वो मैगी खा रहे थे, तो अंडा ब्रेड खा रहे थे, वहाँ से ये आसमान मतलब माउंटेन से टच होता दिख रहा था, तो हम उसी माउंटेन के ऊपर ही हैं और अब हम बादलों के बीच में और यहाँ पे क्लियर है और अब नीचे बादल दिख रहे। क्या जगह आई है, मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है भाई। क्या जगह क्या आई है भाई, आज तक मैं मसूरी नहीं आया था भाई। मुझे नहीं पता तुम फोन से ये कैमरे में देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन भाई ये अलग ही दुनिया ही है। जन्नत के बहुत करीब आ गए हम भाई साहब। और ये जो बारिश देख रहे हो ना, ये बारिश नहीं है, हम बादलों के बीच में हैं। और बादलों के बीच में मतलब पानी के बीच में, सही बोल रहा हूँ। बारिश नहीं हो रही भाई, कुछ और ही हो रहा। आप जमजम बरस रही है, आप जमजम है ये भाई साहब। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और बारिश अब हो रही है, अब चल गाइस। अभी वक्त हो चला है 6:05 हो गए हैं और हमें 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। एक इशू ये था कि मसूरी ऑरेंज अलर्ट पे था येस्टरडे और आज यहाँ पर बारिश नहीं रुकेगी और ऑरेंज अलर्ट मतलब मेरे को नहीं पता था कि ये है, वरना मैं तो नहीं आता। बट आई एम हैप्पी कि यार इतनी प्यारी लोकेशन पे आया और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, पर बारिश रुक नहीं रही और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं यार। अभी पता नहीं, ऑलरेडी अब अंधेरे में तो मेरा ट्रैवल करने का मन है नहीं और ऊपर से बारिश नहीं रुक रही है बिल्कुल, और अभी भी हो ही रही है, तो पता नहीं कब तक रुकेगी भी नहीं। बट यार इट्स रियली ब्यूटीफुल। हम लोग भट्टा फॉल पे खड़े हैं इस वक्त। नीचे आपको दिखा दूँ, अभी तो शायद यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ भट्टा फॉल, ठीक है। यहाँ पर वो केबल कार्स चल रही हैं, मेरे को नीचे जाने का कोई मकसद है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रा सही है। तो अभी हम वहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पर चाय वाय पी रहे थे और अब थोड़ी सी रुक जाओ तो हम निकलते हैं। तो चला है 8:30 एग्जैक्ट और हम आ गए हैं मसूरी के मशहूर मॉल रोड पर। यहाँ पे माँ का अनुप्रास अलंकार देख, माँ का अनुप्रास अलंकार देख। मसूरी के मशहूर मॉल रोड पर इसमें माँ के अनुप्रास अलंकार की छटा है। लाइट आ रही है, आ रही है, ओके। सो अभी गए, बरसात तो आज नहीं रुक रही भाई, तो हमको ऐसे ही भीगे भीगे घूमना पड़ेगा। तो अभी मैं मॉल रोड के उस सिटी पॉइंट व्यू पे खड़ा हूँ, जहाँ से आपको शहर बहुत खूबसूरत दिखता है रात को। और वाकई में दिख रहा है कैमरे में, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, पर मुझे अपनी आंखों से तो लाइव बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई साहब, मजा आ गया कसम से। यहाँ से पता नहीं आप लोगों को कैमरे में सब दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ से सही में जो शहर का व्यू है ना, खूबसूरत लग रहा है। रात में धर्मशाला में देख रहे थे तो इतना मजा नहीं आ रहा था, पर यहाँ से तो बहुत ऊपर आ गए यार हम, मजाक मजाक में है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ का मशहूर मॉल रोड। और यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है। अभी जब हम आए थे ना तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि गाड़ियाँ रुकी पड़ी, वो तो हमारे पास बाइक थी तो हम जैसे तैसे निकल के आ गए। तो अभी क्या है, यहाँ पर बहुत जगह है, नहीं जगह है। शाहरुख ओए शाहरुख, इधर अरे मॉल रोड पे बहुत जगह है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं, ट्रैफिक लग रहा है बार बार, लेकिन बाइक से आ रहे हो ना तो अच्छे खासे निकल जाओगे आप लोग। तो अभी आपको उधर मेन जो मॉल रोड है उधर ले जाऊँगा, बाकी सिटी का जो यहाँ से व्यू है वो दिखा रहा था। अंधेरे में दिखेगा नहीं आप लोगों को कुछ खास, तो फिर भी मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती दिखाई देता हूँ एक बार। ये ऐसा है यहाँ का मसला। बाकी थोड़ा सा सामान ले लें यहाँ से मॉल रोड से, बाकी वापस होटल ही चलेंगे, क्योंकि बारिश में भीगने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला एंजॉयमेंट के चक्कर में बीमार पड़ रहे हैं, तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। ये देखिए यहाँ पर बापू की तस्वीर, और ये यहाँ पर थोड़ी सी और। वाकई में मॉल रोड यार खूबसूरत है। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये चौकीज है, यहाँ से इनका फेमस मॉल रोड शुरू हो रहा है। मैं इसी के अंदर आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको शॉप्स दिख जाएंगी अच्छी खासी, और भीड़ भड़क्का दिख जाएगा। अगली बार मैं ना किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड पर आया हूँ, हर जगह मॉल रोड होता है। शॉपिंग के दीवानों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए हर तरह की आपको शॉप्स अवेलेबल है, चप्पल वप्पल मिल जाएगी, जूते वूते मिल जाएंगे, छाटो बीनो मिल जाएगा, रेट्स ऑफ फिक्स प्राइस, और ये सब यहाँ पर फेमस। ये एक बैठने की जगह है बहुत प्यारी, ये देखो बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जगह है। देखिए सारे बैठे हुए, चाय वाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये देखिए कपड़े लत्ते ही लत्ते भाई साहब, ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर, और बाजू में यहाँ पर सिटी का जो व्यू है वो तो है ही है भाई। चलो आगे लेके चलता हूँ आपको। बहुत जगह है, नई जगह है, बहुत जगह है। ओके सो अभी क्या है कि मसूरी में बारिश बहुत हो रही है, तो बाइक से आने वालों के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको रुकना पड़ रहा है हर जगह, 2-2.5 घंटे 3 घंटे के लिए, उसका 10 मिनट के लिए रुक रही है, फिर बाइक चलानी पड़ रही है। और कार से आने वालों के लिए कि ट्रैफिक मिल रहा है, तो दोनों बाइक और कार दोनों का आपस में कवर हो जा रहा है, तो अब किसी से भी यही टाइम उतना ही लग रहा है। तो अभी क्या है, हमने जो रूम लिया है वो छोटा सा रूम लिया, कोई खास नहीं लिया हमने, बस क्योंकि हम 2 लोग हैं, हमारे कुछ खास चोचले हैं नहीं, हमको बस सोना था, क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ गया था। तो अब कल का क्या सीन है मैं कल ही बताऊँगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम और कहीं जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग आराम कर लेते हैं। आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट।